तो लो गाइस, सर कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में अपन दोबारा से खेल जा रहे हैं स्टंबल गाइस, और आज हम खेल रहे थे यार यूरोप टूर्नामेंट, क्योंकि रेजू वाला मिस हो गया यार मेरे से। मैंने यार खेलने की कोशिश करी पर नहीं हुआ भाई। मैं यार गया हुआ था घर से बाहर, मतलब सड़क पर नहीं, कहीं मतलब दूर गया हुआ था। तो वहाँ पे यार वाईफाई लेके जा तो सकता नहीं यार, बैग में वाईफाई की तारे वारे भर के लेके जा नहीं सकता मैं, इसलिए यार वाईफाई मेरे पास था नहीं। नेट अपना चलता भाई, भागता है जो भी है। सिम विम भी जो डलवा रखी है सस्ती है बहुत, तो उसका कोई मतलब है नहीं यार। मैंने दो मैच खेले थे, मैच दोनों में क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बाद फिर नेट आया ही नहीं तो खेल ही नहीं पाए। पिछली बार भी यार मिस हो गया था यार, मेरा बहुत मन था खेलने का माँ कसम। जितना मैं बोलूँ ना भाई, मैं भाई इतना खुश था कि भाई ये टूर्नामेंट आया है, और मैं ऐसा था कि बस इस बार जीत के दिखाएंगे भाई। सुपर साइड उन लिया, इतना ग्राइंड कर लिया कि बस फाड़ देंगे सबकी और अपनी फटवाली, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिलहाल क्लियर यूरोप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और पहला मैच इजी क्वालिफिकेशन निकाल लिए। अब मैं सोच रहा था कि यार 6 पॉइंटर निकालूंगा, यहाँ पे मेरे को भी पड़ी और सबको पड़ी, मतलब जितने झुंड में चल रहे थे सब ने एक दूसरे को भर दिया। अब मेरे से आगे यार दो बंदे और थे, अगर मैं इनको मारूंगा तभी मेरा वन मतलब टू वन पॉइंटर जो भी निकलता है 6 पॉइंटर निकलता, तो मैंने फ़ायदा उठा लिया यार। एससीपी वाले ने डेविल को मारा, मैंने उसको मारा और मैं क्वालिफाई मार गया यार। अब आ चुका था थर्ड राउंड, और इसमें क्वालिफाई होना प्रोबेबली ज़रूरी होता ही है, मतलब नॉर्मली तो होता ही है, क्योंकि 3 राउंड ही होते हैं यार। फर्स्ट फेस और सेकंड फेस में, मैं राउंड क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। यहाँ पे यार मैंने पंच करने की कोशिश की, और मैंने जल्दी जल्दी में यार पंच करते ही डबल जंप स्पैम कर दिया और हक दिया भाई, जो भी बोलो हक दिया। इस बार सही में हक दिया, कभी कभी हो जाता है यार फ्लो में हक देते हैं, मतलब फ्लो में थोड़ा इमेजिन करने में बुरा लग रहा है लेकिन हक देते हैं यार, मतलब समझ रहे हो ना। अब यार यहाँ पे ठुक रहे थे, वैसे भी कोई फ़ायदा था नहीं, मैं पता नहीं फालतू का क्यों अपनी और बेइज्जती करवाता हूँ, ये नहीं जगह खड़ा हो जाऊँ। नहीं भाई अपने को भी शौक है तो ठीक है यार, कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे सोचा और बेइज्जती करने से अच्छा खड़े हो जाते हैं। तो यार जैसे तैसे करके क्वालिफाई तो कर गए एटलीस्ट। तो अब आ चुका था फेस 2, और अब हमें थोड़ा सा ना देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि फेस 2 यार बहुत क्रूशल राउंड होता है, और इतनी इंग्लिश मैंने कहीं से नहीं सीखी, कोई ऐप का प्रमोशन नहीं होने वाला तो कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है बस ऐसे ही बोल देता हूँ, कभी कभी फ्लो में हो जाता है वो भी। और यार यहाँ पे मुझे मुक्का पड़ता है, मैं थोड़ा सा मतलब भड़क जाता हूँ कि मेरे को मिल तू कहीं आगे, फिर बताता हूँ मैं तेरे को। यहाँ पे यार ये किंग खुद तो बॉडी होता ही है, मतलब ठुक जाता है खुद मेरे को बॉडी करके लेके जाता है साथ में। मैंने सोचा था यार लेफ्ट से जाने का, लेकिन अब मैं पिट चुका था, तो अगर मैं नहीं जाता यहाँ से तो मैं वैसे भी मतलब एलिमिनेट हो ही जाता, तो मैंने सोचा चलते हैं यार जहाँ से जगह मिल रही घुस जाओ बस। तो वहीं से निकले यार, और हो गया यार क्वालिफाई जैसे तैसे, 4 पॉइंट तो मिले एटलीस्ट। अब आ चुका था यार कैनन क्लाइम, और मेरी फट के 8 हो चुकी थी, क्योंकि कैनन क्लाइम एक ऐसा मैप है यार कुछ नहीं कर सकते इस मैप का, तो मैं सीधा सीधा साइड से निकल लिया, मेरे को बीच में से जाने का ही नहीं है। बीच में मुक्के इतने चलते हैं ना, मतलब फालतू के मुक्के चलते हैं, कोई मतलब भी नहीं होता। देखो उधर मुक्के चालू हो चुके हैं, अब यहाँ पे ना वो जा रहे थे ना हम जा रहे थे, ना हम जाएंगे ना तुम्हें जाने देंगे टाइप सीन हो गया था यहाँ पे। और एक बंदा पता नहीं ऊपर कैसे चढ़ गया भाई, उसके अलग नशे चल रहे हैं यहाँ पे यार। अब मेरे पास थी 4th पोजीशन, अब मेरे को अगर पंच नहीं पड़ता तो मैं निकाल लेता। पीछे से एक बंदे ने हाय तो बोला था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था यार, पिछली बार भी यूरोप सर्वर में एक बंदे भरोसा गया था, साले ने लेजर ड्रेसर पे मुक्का मार दिया मेरे को, तो मैंने नहीं किया इस बार किसी पे भरोसा। अब आ चुका था यार लॉस्ट टेम्पल, और लॉस्ट टेम्पल इस फेस में क्यों दे दिया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को एलिमिनेट कराना है तो सीधा सीधा करा दो, फ़ायदा क्या है। और यार इस मैच में कितनी बार मैप बोल दिया मैं, इस मैच में यार अपने साथ जेड ट्रैक्स भी था, और एक और एक्सो का बंदा था नमित, जिसको शायद आप जानते हो या शायद ना जानते हो, मैं जानता हूँ। तो मतलब थोड़ा सा प्रेशर आ गया था यार, मतलब समझ रहे हो ना। अब यहाँ मेरे साथ बंदा होता है उसको मारता हूँ और जल्दी से फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे यार, 6 पॉइंट आएंगे, कब तक 4-5 पॉइंट पर जिंदगी जियेंगे यार, अपने को भी 6 पॉइंटर मंगता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अब हगना नहीं था बस। और मैंने यार यहाँ पर रिस्क नहीं लिया यार राइट से घुसने का, मैंने सीधा सीधा मतलब रुक के चले जाते हैं यार, क्यों इतनी मेहनत करनी फालतू की। सही बोल रहा हूँ ना मैं, देखो सही बोल रहा हूँ तो लाइक कर देना यार वीडियो को, और अगर आपको लग रहा है गलत बोल रहा हूँ तो भी लाइक कर देना, हमें कोई फर्क नहीं, हमें लाइक से मतलब है। और यार लाइक हम इस वीडियो पर रखने वाले हैं पूरे 2000 लाइक्स का, तो लेट्स सी कंप्लीट हो पाता या नहीं हो पाता। और यार अब आ चुका था फेस 3, इसमें एक बार भी एलिमिनेट होने पे भाई बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे यार पहला मैप आ चुका था जंगल रोल, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था इस मैप को लेके, क्योंकि यार मैं रट के बैठा हूँ इस मैप को पूरा अच्छे से, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, ऊपर से मुक्के उक्के भी फुल ऑन मार रहा था यार मैं इस बार, क्योंकि यार भरोसा करना छोड़ दिया है। भले ही हो सकता है मैं वापस किसी पे भरोसा करूं और टूट जाऊं मुंह, मतलब अपना तुड़वा लूं 32, लेकिन अभी के लिए किसी पे भरोसा नहीं किया था भाई, सीधा सीधा भग रहे थे। और यार दिक्कत यह है यार, इस बार ना अगर हम फर्स्ट क्वालिफाई भी होते तो भी पॉइंट हमें उतने ही मिलेंगे, 4th पे हो गए तो भी उतने पॉइंट मिलेंगे, मतलब भाई सो मच पेन दीज डेज, बहुत दर्द होता है भाई। मतलब जब फर्स्ट क्वालिफाई ना हो ना तब ऐसा लगता है कि भाई क्यों नहीं हुए, और अगर हो जाओ तो ऐसा लगता है यार पॉइंट ज़्यादा नहीं मिले, कुछ नहीं कर सकते भाई छोड़ो। तो यहाँ पे अगला मैं पास करता लेजर ट्रेसर, और मेरे भाई जिस हिसाब से मैं खेल रहा था मुझे लग रहा था यूरोप टूर्नामेंट मेरे नाम होने वाला है इस बार। आप लोग को क्या लग रहा है यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और यार मुझे ये बताओ ये रेस टूर्नामेंट में लेजर ट्रेसर क्यों आया, किस खुशी में भाई,
मैंने आज तक इंडिया एशिया में नहीं देखा, ये यूरोप में पहली बार खेल रहा था, मतलब इतना आगे आया हूँ मैं यूरोप में, वरना मैं फेस टू मैक्स जाता हूँ, उसके बाद मैं पिट जाता हूँ। अब थोड़ा ग्राइंड व्राइंड करके आए हैं तो अच्छा ही चल रहा है सब। तो यार यहाँ पे सारे बंदे ऑलमोस्ट हाई बोल रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा पंच नहीं करेंगे यहाँ पे। भले ही मैंने एक मुक्का चलाया, ये मुक्का जस्ट इन केस था कि अगर लग गया तो एलिमिनेट हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इसके बाद यार मैंने सोच लिया ठीक है पीस में खेलते हैं, सारे पीस ही खेल रहे हैं, तो मैंने हाई बोला, इसने भी हाई बोला। मैंने फिर से एक बार बाई चांस खोल लिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पेल दूंगा, और ये कौन था भाई ये उछल रहा है, इसकी रानी की ऐसी की तैसी। अभी तो भाई बोला ही था, जल ही गया वो बेचारा। अब यार यहाँ पे दो, मतलब दो बंदे एलिमिनेट हो चुके थे और दो और बाकी थे, और इस मैच में यार गॉडेक्स भी खेल रहा था, एमए वाला लौंडा यार गॉडेक्स है, ये जो पीछे ब्लैक वुल्फ घूम रहा है ये गॉडेक्स था। मेरे को बाद में उसने मैसेज किया, मैं भी नहीं पहचाना था इस टाइम तक। तो ठीक है यार, एक देखो इस मैप से ना यार अपनी फटती नहीं है, खेल तो अपन लेंगे यार अच्छा बढ़िया सा, मतलब समझ रहे हो ना। बाकी यार देखो गॉडेक्स मुझे नहीं मारेगा, मुझे पता था, बाकी मुझे आदि भी नहीं मारेगा, लेजेंड भी नहीं मारेगा। एक ही बंदे का खतरा था जो कि था ये चिमकांडी सा भाई। मुझे खेलना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ भाई, रिज़ाइन ले रहा हूँ मैं स्टंबल गाइस से, मैं यूट्यूब से रिज़ाइन ले रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से रिज़ाइन ले रहा हूँ भाई। क्या भाई क्यों करते हैं मेरे साथ ये भाई, क्यों शर्म ही नहीं है भाई। तो अब देखो यार हम रेजू टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे, यूरोप टूर्नामेंट के बाद एक सुपर स्लाइड का टूर्नामेंट हो रहा था, वो प्रैक्टिस वाला होता है ना, तो मैंने सोचा भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मीद तो बहुत लगा के बैठा था मैं अपने आप से। फिलहाल के लिए तो यार पहला मैच आया था और उसमें 6 ही मैप आते हैं और बार बार सुपर स्लाइड आने वाला है, तो बाकी आप गेम प्ले देख लो। और मैं एक और बात बताता हूँ यार, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि रेड नेम चला गया, वेरीफाइड नेम चला गया क्या, बेंसक्यू की ऐसी की तैसी वैसी की ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। बेंसक्यू को इस बार गाली देने का मतलब नहीं है, कुछ नहीं गया मेरा रेड नेम। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यार मेरा नाम चेंज हुआ, मेरा BTW ब्लेजी आयन से नाम बदल गया, अब ब्लेजी वाइट आयन कर दिया है, और नाम चेंज करने पर यार वेरीफाइड नेम जाता ही है। भले ही मैं बोल के वापस चेंज करवा सकता हूँ, लेकिन मैं जान के नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैं चेंज करवाऊंगा मेरे को पता है मेरे साथ अत्याचार होने वाला है। मैंने यार रेड नेम रखा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है यार फिर मुक्के मारेंगे लोग, ग्राइंड नहीं करने देते, क्योंकि इसमें तो यार कभी कभी होता है कि लोग नहीं पहचानते। जब रेड नेम होता है ना, भले लोग पहचाने ना पहचाने मारने ज़रूर आते हैं, बहुत हरामी लोग हो गए यार आजकल, दुनिया बहुत हरामी है। तो बस इसी रीज़न की वजह से यार मैंने रेड नेम हटा लिया है, तो ज़्यादा सोचो मत। और यार रेड नेम का एक और डिसएडवांटेज है, जब मैं एक्सो वाली वॉर खेला था तो मेरे पास रेड नेम था, और वैसे इनको ना ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ, फिर आके टारगेट करते हैं। इन्होंने भाई ढूंढना ही नहीं पड़ा, ऊपर से लाल नेम दिखता था, भागते भागते आते तो बॉडी करके चले जाते थे, तो एक वो भी रीज़न है यार हटाने का। वापस आएंगे यार, ले आएंगे रेड नेम, चिंता मत करो उसकी, आ रहा है वापस रेड नेम, दो दिन में आ रहा है, मतलब दो दिन में तो नहीं, ऐसा भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। और यार एक और बात बताना मैं भूल गया, यहाँ तो हक दिया जो भी बोलो, पीछे से धक्का खा के कुछ ज़्यादा आगे चला गया, ओवर एक्साइटेड भाई। तो एक और न्यूज़ देनी है यार, अब देखो मैं कोई भी क्लैन में नहीं हूँ फिलहाल, और BTW में यार मेरा जाने का कसम से मन नहीं है, क्योंकि यार बहुत मतलब स्टाफ ना यार बहुत दिमाग खा रही है मेरा, मतलब दिमाग फटने को हो गया था एक टाइम को मेरा, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने एक पोल डाला था यार आज सुबह 8 बजे, अभी तक यार वोट नहीं किया तो जाके कर देना, मतलब चैनल पे जाओगे वहाँ पे आपको ऊपर कम्युनिटी नाम की एक चीज़ दिखेगी जहाँ पे वीडियोस होती है, उसके राइट में वहाँ पे जाके यार आपको पोल दिख जाएगा, फिर वोट कर देना। मैंने कुछ क्लैंस के ऑप्शन दिए, जैसे कपड़ों के ऑप्शन देते हैं ना, लहंगा सलवार सूट, 2 सेकंड लहंगा सलवार सूट लड़के नहीं पहनते, जो भी होता है यार कोट पैंट, जो भी मतलब समझ रहे हो ना, जब शादी के लिए शॉपिंग जाते, मैं इतना क्यों डीप चला जाता हूँ मेरे को नहीं समझ आता भाई, मुक्का और खा लिया, जो भी होता है वो। तो मैंने वहाँ पे यार कुछ क्लैंस के ऑप्शन दिए हैं, और मैंने एक अलग से ऑप्शन भी बनाया है जिसमें आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके बता सकते हो कि किस में जाना चाहिए। तो जाके जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में बता दो, मतलब उस कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे, पोल पे यार रिएक्ट कर दो, क्योंकि मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे किस नाम में देखना चाहते हो। क्योंकि अगर आप BTW सेलेक्ट करोगे तो BTW ब्लेजी दिखेगा, एक्सो सेलेक्ट करोगे तो एक्सो दिखेगा, XT MA कुछ भी बता दो यार, कोई भी क्लैन चलेगा मेरे को। तो क्योंकि एक टाइम था यार अपन भी INDS खेला करते थे और बहुत बढ़िया खेला करते थे, उस टाइम मेरे कोई प्रेशर नहीं था, अपन स्टाफ नहीं थे, अपन को कोई ड्यूटी नहीं करनी थी, जाते थे खेलते थे ख़त्म करते थे सबको। तो बस उसी वजह से यार मैंने पोल डाला वो, वरना मैं BTW ही जाने वाला था। पर अब थोड़ा सा मतलब मैं डाउट में हूँ, तो एक बार जाके आप लोग भी बता दो कि आप लोग क्या सोचते हो पोल के अंदर, और चाहो तो यार फाइनल मतलब इधर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, पर फाइनल रिजल्ट यार मैं पोल से ही देखने वाला हूँ, तो पोल में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए तो यार अपन जा रहे थे, मुक्का भी खा लिया था यार अपन ने, सुपर स्लाइड में मुक्का खा लेते हैं, मतलब देख रहे हो ना किस्मत। मैं इतना खुश था ना यार कि रेजू टूर्नामेंट सुपर स्लाइड का होने वाला है, पहली बार मैं ऐसा था कि यार रेजू ने कोई ढंग का टूर्नामेंट बनाया है, खेलेंगे यार बढ़िया से, मज़ा आने वाला है। पर हो गया यार काम खत्म है यार अपना, क्योंकि यार मुझे था कि सुपर स्लाइड में यार पंच नहीं पड़ते, बस वही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यार पंच पड़ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो पंच नहीं पड़ेगा तुम्हें। पर यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, अपन पिट गए और कुछ नहीं कर सकते। अब यार ये लास्ट मैच था, अपन क्वालिफाइड मोस्टली में तो हुए थे, एक में पंच खा लिया एक में हक दिया, तो लगा लो यार अपन 5 में तो अच्छा ही खेले हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक ही खेले यार अपन, इतना बुरा नहीं खेले, और इसमें भी अच्छा ही खेल रहे हैं अभी तो फिलहाल, तो भाई इतने सारे लौंडे चल रहे हैं साथ में। सबसे मेन बात यार टिप्स एंड ट्रिक्स बराबर से हो रही हैं, तो वो मेन अभी है मेरे लिए,
तो बस यार ये लास्ट गेम होने वाला है, अपन क्वालिफाई कर ही जाएंगे क्योंकि सबसे आगे चल रहे हैं। और आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो देर वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गेट टू 2000 लाइक्स एंड 20 के सून। बस जाओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, चलो बाय 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 बाय, क्या बोलता हूँ रे मैं, चलो बाय गाइस।